हेलो माय डियर फ्रेंड, आइए हम लोग आज फिर एक नया एक्सपोनेंट मींस पावर और बेस का क्वेश्चन लेते हैं और इसे सिंपलीफाई करते हैं। ये एक्सपोनेंट का इक्वेशन है, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे आज हम लोग सीखते हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, भाई पावर में है, इसको हमें किसी तरीके से हमें पॉलिनोमियल बदल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक क्या है कि हम इसका पावर मींस इसके पावर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वैसे सेम काम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं और ये हो गया 65। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर m बाई 2 का स्क्वायर, 2 पावर m बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 65। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं लेट 3 पावर m बाई 2 इक्वल टू x एंड 2 पावर m बाई 2 इक्वल टू y। ओके, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, x पावर 2 माइनस y पावर 2 इक्वल टू, भाई इसको y माने हो ना, यहां पुट कर दो 65। आप इसको और क्या लिख सकते हो, x माइनस y, x प्लस y, और इसको अपने प्राइम फैक्टर मींस 5 × 13 में तोड़ सकते हो। ठीक, आप हमें ये बताओ, ये डिफरेंस हो रहा है, यानी ये छोटी वैल्यू, ये ऐड हो रहा है, ये बड़ी वैल्यू, ठीक है। क्या हम इसको ए दो इक्वेशन मान सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 13, क्यों नहीं मान सकते हो, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट फॉर्म है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ 2x होगा, ऐड कर दोगे, ये कट जाएगा, 2x होगा, यहाँ 18 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक, जैसे आप इसमें x की वैल्यू 9 रखेंगे, y उधर जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4, इस इक्वेशन में रख के m की वैल्यू बता सकते हो। तो आइए भाई बताते हैं, एक मिनट ब्लैक कलर वाला मार्कर ले लेते हैं। तो ध्यान देना, 3 पावर, वन मिनट, थोड़ा हम ब्लैक मार्कर लेते हैं, ये शायद मेरा ब्लैक मार्कर है, हाँ यहाँ पर देखना, ये इसके कैप अलग है ना, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। 3 पावर m बाई 2, ये हम इसको क्या माने हैं, x माने हुए हैं, x कहाँ पर है, 9, आप यहाँ पर 9 लिखिए। अब दोनों साइड क्या करिए ना, बेस सेम बना दीजिए। यार मैं यही बात करता हूँ ना, कि जब भी एक्सपोनेंट क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहाँ 3 पावर 2 लिख सकते हो, बेस सेम बना दिए, बेस सेम है ना, पावर भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है ना, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। आप चाहे x से m की वैल्यू निकालो, चाहे y से निकालो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी m को 4 में डाल, यहाँ पर डाल के चेक कर लो क्या हमारा आंसर सही है, चलिए चेक करते हैं। 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 4, बताइए 3 पावर 4 हो गया 81, 2 पावर हो गया 16, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, हो गया 576, यानी ये हमारा क्या है, m इक्वल टू 4 हमारा आंसर है। तो बने रहिए IGC पे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।